हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर से रसमलाई। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम चीनी, बारीक कटा हुआ पिस्ता, बारीक कटा हुआ काजू, थोड़े केसर, 200 ग्राम पनीर और 5-6 ठो इलायची। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जो 200 ग्राम चीनी लिए हैं उसमें से आधा मिक्सर में डाल के उसके साथ 5-6 ठो इलायची के साथ उसको पूरा पाउडर बना लेते। ये चीनी और इलायची का पाउडर बन गया है। अब इसे उबलते हुए दूध में मिला देते। इलायची मिला देने से दूध का बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा, जो कि मुझे आने भी लगी है। अभी इसको अच्छी तरह से अभी मिक्स कर देते हैं। अभी इसमें थोड़ा केसर डाल देते हैं ताकि रसमलाई वाला अच्छा सा येलो इस कलर आ जाए और बढ़िया सा रिच फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, आने लगी है ना लाइट येलो कलर। दूध ऐसे ही पतला रहना चाहिए ताकि रसगुल्ले में अच्छे से दूध मलाई ऑब्जर्व करे। अभी इसको बंद करके एक साइड में रख देते हैं। अभी पनीर को हाथ के इस पोर्शन से चिकना होने तक मैश करते हैं, या फिर पनीर को चिकना होने तक मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे। अभी इसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर छोटे छोटे बॉल्स बनाते जाएंगे। बॉल्स को सावधानी से बनाना पड़ेगा, नहीं तो बीच में एयर रह जाएगा। एयर रहने से क्या दिक्कत होगा ये आपको आगे दिखाऊंगी। अभी चूल्हे में चाशनी के लिए कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, उसमें 4 कप पानी मिलाएंगे। अभी इसको हाई फ्लेम में एक उबाल आने देते हैं। ये देखिए, अभी चाशनी में अच्छे से बबल्स आने लगी है। इसी स्टेज में हम पनीर के एक एक बॉल्स डालते जाएंगे। सारे एक साथ नहीं डालेंगे वरना चाशनी ठंडा हो जाएगा। अभी इसमें लीड ढककर 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच में इसको पकने देते हैं। अभी ये धीरे धीरे साइज में डबल होते जाएगा। 5 मिनट के बाद हमें सारे बॉल्स को पलट देना है। ये देखिए, सारे बॉल्स अच्छी तरह से फूल गया है। अभी इसको 15 से 20 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी इसको चाशनी से एक एक करके निचोड़ निचोड़ के मलाई में डाल देना है। मैं पहले आपको बोली थी ना, बॉल्स बनाने के टाइम सावधानी से बनाना है, नहीं तो एयर रह जाएगा। ये देखिए, एयर रहने से ऐसे फट जाता है। आपको अगर रसगुल्ले पसंद है तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये है मिनी स्पंजी रसगुल्ले। ये सारे रसगुल्ले को हम मलाई में डाल दिए। अभी हम पहले से बारीक काट के रखा हुआ ड्राई फ्रूट्स को इसमें मिला देंगे। ये है बारीक कटा हुआ काजू और बादाम, हम इसको एक एक करके इसमें डाल देंगे। अब इसको रसमलाई के साथ अच्छी तरह से मिलाकर ठंडा होने के लिए फ्रिज में 1 घंटा रख देंगे। देखिए, 1 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल दी। अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना स्पंजी है ना, माउथ वाटरिंग। अभी आप घर में इसको आराम से बनाइए और मुझे कमेंट करके बोलिए कि कैसे बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।